की योगी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये कार्यकाल ऐसे समय में पूरा हुआ है जब देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे के चुनावी रण में मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार के कामकाज को लेकर भी कसौटी पर परखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को सूबे की सत्ता की कमान संभालते ही बदलाव के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए थे। फिर चाहे वो अपराधियों पर कसी गई लगाम हो या फिर शहरों के नाम बदलने का फैसला, आज हम आपको योगी द्वारा उठाए गए ऐसे ही 5 बड़े कदम के बारे में बताएंगे जिन्होंने सूबे को बदल कर रख दिया। नंबर 1, अपराधियों के एनकाउंटर की खुली छूट। यूपी में अपराधियों पर लगाम कसने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी थी और इसके बाद यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर अभियान चलाया। हालांकि इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सरकार ने इससे कोई समझौता नहीं किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना था कि अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। नंबर 2, अवैध बूचड़खानों पर लगाम। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते ही सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसी थी। योगी के शपथ लेने के दूसरे दिन से ही अवैध बूचड़खाने बंद करने की कार्रवाई होने लगी। वाराणसी से लेकर लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद और मेरठ जैसे तमाम शहरों में अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन का डंडा था और बड़ी तादाद में अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सूबे को संभालते ही पूरी तरह छा गए थे। नंबर 3, एंटी रोमियो स्क्वाड। यूपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का कदम उठाया और इसके बाद यूपी पुलिस ने कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मंचनों की धरपकड़ तेज कर दी थी और इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन योगी सरकार ने इन मंचनों की लगाम तो कस ही दी थी। नंबर 4, कुंभ को बनाया दिव्य कुंभ। प्रयागराज में संगम पर योगी सरकार ने दिव्य एवं भव्य कुंभ का सफल आयोजन कराया। इन सारे आयोजनों ने प्रदेश के बारे में बनी पुरानी धारणा को बदल कर रख दिया था। पूरे शहर को सजाया और सवारा गया था। इस कुंभ को दिव्य बनाने के लिए समय से पहले ही बजट जारी कर दिया गया था और योगी खुद कई बार प्रयागराज का दौरा कर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते रहे थे और उसी का ये परिणाम था कि कुंभ को दिव्य कुंभ बनाया गया। और नंबर 5, नोएडा आकर तोड़ा मिथक। योगी आदित्यनाथ ने इस अंधविश्वास को भी तोड़ा कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है। इसी मान्यता के चलते पहले कुछ सीएम नोएडा जाने से बचते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और एक बार नहीं कई बार गए। ये मान्यता तब बनी जब 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा से लौटे थे तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन सीएम योगी ने इस भ्रम को भी तोड़कर रख दिया। तो ये थे सीएम योगी के 5 बड़े कदम जिन्होंने सूबे की शक्ल को बदल कर रख दिया था। हालांकि इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में काफी काम हुए हैं। आपकी इन 5 कड़े फैसलों के बारे में क्या राय है कमेंट कर बताइए।